सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटन पुलाव, जिसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने 800 ग्राम के करीब मैंने मटन ले लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसकी एक पोटली बनाकर सारे मसालों की हम इसमें ऐड करेंगे। 2 चाय के चम्मच मैंने सौंफ ले लिया है, 2 चाय के चम्मच साबित धनिया, 1 चकरी का फूल, 2 बड़े इलायची, 2 दालचीनी के पीसेस, 2 तेज़पात के पत्ते मैंने ले लिए, इसे तोड़ लिए हैं। इसे अब हम डाल देंगे ये वाइट कपड़े में, जिसे मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। ये देखिए, इसकी एक मैंने छोटी सी पोटली बना ली है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में मैं पोटली रख दूंगी और 2 लहसुन के जड़े ले लेंगे। 1 इंच मैंने अदरक का पीस को इस तरीके से धोकर पीसेस में कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर लेंगे। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे भी हम डाल लेंगे। मटन भी इसी में हम ऐड कर लेंगे। चाहे तो आप पोटली में ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैं बाद में शाहज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी। 1.5 चाय के चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर कर इससे प्रेशर कुक होने के लिए 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। मटन को मैंने दूसरे चूल्हे पर गलने के लिए रख दिया है। अब मैंने इसमें 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया है। इसे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक प्याज को हम अच्छे से तल लेंगे। आधी प्याज मैंने इसमें से निकाल ली है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। इसमें अब हम साबित गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पात, 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग, 2 टीस्पून शाहजीरा। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाले को मैंने डालकर इसे 1-2 मिनट तक चला लिया है। मटन हमारा अच्छे से गल चुका था, इसमें से मैंने इसके पीसेस को निकाल लिया है और पानी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मटन ऐड करने के बाद इसे हम 2 मिनट तक इस तरीके से अच्छे से गरम मसाले में प्याज में भून लेंगे, हाई फ्लेम पर रखकर। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं 1 बड़े टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूंगी। इसे भी डालकर हम अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसे भी भून लेंगे। अदरक लहसुन डालकर इसे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें दही ऐड करेंगे और इसे अच्छे से इसे भी 5 मिनट तक पका लेंगे। दही ऐड मिक्स करने के बाद दही को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे, इसके इस तरीके से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसे डालकर अच्छे से भून लेंगे। टमाटरों को ऐड करने के बाद हम मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हम मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है, 7 से 8 हरी मिर्च, अब अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग लीजिए। और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। मैं इसमें 1.5 चाय के चम्मच नमक ऐड करूंगी और इसे टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। राइस को मैंने 1 घंटा पहले भिगा कर रख दिया था। 800 ग्राम मटन है, 800 ग्राम मैंने राइस ले लिए है। पहले हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस ऐड करने के बाद जो हमने अखनी का पानी जो रखा था, हमने पहले मटन गलाकर उसमें से मैंने पोटली और सारे खड़े मसालों को निकाल लिया है। इसमें हम ये ऐड करेंगे। 2 गिलास डालकर मैंने इसे पका लिया था। 1/2 गिलास के करीब मैंने सारे पोटली के मसालों को अच्छे से धोने के बाद, आप अपने राइस के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए। राइस में मैंने राइस के हिसाब से पानी ऐड कर लिया है। इसमें अब हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 2 चाय के चम्मच, और जो थोड़ा सा हरा धनिया हमने बचा कर रखा था वो भी इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम आप चाहे तो इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं। इसे ढककर 80% तक राइस पकने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, 80% तक हमारे राइस अच्छे से पक चुके हैं। इसमें का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इसे मैं दम पर लगाऊंगी।
बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम इसे, ये देखिए राइस हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इस पर हम थोड़ा सी प्याज जो हमने पहले, थोड़ी सी प्याज मैंने जो रखी थी इस पर से ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर कर बिल्कुल हम लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक दम पर रख देंगे। 10 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर रख कर दम दे दिया था और 10 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया। ये देखिए हमारा मटन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। आप इस मटन पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।